हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ डिफ़िकल्ट सवाल लेकर आए हैं जो कि जिनको करने में आप एग्ज़ाम में फंसते हैं और जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन उनके करने के तरीके बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आसान होते हैं तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट से पहले बातचीत करना चाहूँगा जो प्रीवियस एग्जाम देने की वजह से निराश हो चुके हैं डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं तो सबसे मेन बात यह है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो आपको करना क्या होगा छोटी छोटी सी मेरी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लाइफ में अभी भी रुके हुए नहीं माने जाएंगे तो होता क्या है कि आपने अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं और आप पास नहीं हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में भी कहीं कमी रही होगी तो ये बात आपको माननी पड़ेगी देन उसके बाद आपको अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से तैयारी शुरू करना होगा तो अभी फ़िलहाल व्यापम के कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं यहाँ अभी फ़िलहाल में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं भी है तो फिर भी आप एक दो घंटे का रूटीन बना लीजिए और डेली एक एक दो दो घंटे की पढ़ाई करिए क्योंकि अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करेंगे और एकदम से वैकेंसी आ जाती है तो फिर पढ़ाई करने में दिक्कत होती है और फिर आप फिर से दोबारा से आप असफल हो जाएंगे तो आपको करना क्या है अभी से तैयारी शुरू करना है क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठा रह जाता है जो सो जाता है उसका भाग्य भी सोया रह जाता है और जो तन के खड़ा हो जाता है तो उसका भाग्य भी तन के खड़ा हो जाता है और जो चलना शुरू कर देता है तो उसका भाग्य भी चलना शुरू कर देता है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है या फिर बड़े भाई वाली सलाह मान लो कि आपको रुक रुकना नहीं है और अभी भी चलते जाना है तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर नए वीवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा माय नेम इज़ अनिल सिंह राजपूत आई बिलोंग टू सागर मध्य प्रदेश आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर द लास्ट सेवन इयर्स आई हैव आल्सो एन एक्सपीरियंस टू टीच इंग्लिश हिंदी एंड रीजनिंग एंड आई टीच फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब्स लाइक एस बैंकिंग एंड अदर एग्जाम्स सो थैंक यू सो मच आज की वीडियो शुरू करते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है पी बराबर है छियानवे बटे पंचानवे गुणित संतानवे क्यू बराबर संतानवे बटे छियानवे गुड़ित अंठानवे और आर बराबर एक बटे संतानवे तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सवाल को सर हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे इतना टाइम तो एग्जाम में है नहीं और ये ऊपर नीचे कट भी नहीं रहा है तो आपको कुछ नहीं करना ध्यान से देखो पंचानवे छियानवे संतानवे अंठानवे रेगुलर नंबर है तो आप क्या करोगे पंचानवे को मान लोगे दो छियानबे को मान लोगे गे तीन संतानवे को मान लो चार और अंठानवे को मान लो गांच है ना मैंने क्या बोला इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे वन टू थ्री फोर भी कर सकते थे जो आपको करना हो तो पंचानवे की जगह मैं दो पुट करूंगा छियानवे की जगह तीन संतानवे की जगह चार अंठानवे की जगह पांच है ना तो सबसे पहले आप इस, इस पी को सॉल्व करिए तो पी की वैल्यू नाइनटी सिक्स छियानवे की जगह मैंने रखा तीन पंचानवे की जगह मैंने रखा दो और संतानवे की जगह रखा मैंने चार तो ये हो गया तीन और चार दुनिया आठ है ना जब आप तीन में आठ का भाग देंगे ना तो यहाँ पर आप क्या होगा कि मैं भाग देकर आपको बता देता हूँ भागने जाए भाग नंबर तीसों ने लगाया दशमलव आठती है चौबीस तीस में से चौबीस गया तो उतारा छः छः में आठ का भाग नहीं जाएगा उतारा जीरो आठे सातें छप्पन बचा चार उतारा जीरो आठ पंचे चालीस तो ये आ गया पॉइंट थ्री सेवन फाइव पी की वैल्यू क्यों निकालने की अगर हम कोशिश करेंगे तो देखो संतानवे कितना है हमारा चार है छियानवे कितना है तीन है और अंठानवे कितना है पाँच है तो ध्यान से देखिएगा ये आ गया आपका चार बटे पंद्रह है ना चार बटे पंद्रह मैंने संतानबे की जगह कितना रखा चार छियानवे की जगह मैंने कितना रखा तीन अंठानवे की जगह रखा पांच तो ये आ गया पंद्रह अब चार में आपको फिर पंद्रह का भाग देना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा भागना जाए भागना मस्ती शून्य लगाया दशमलव पंद्रह तीस पंद्रह दुनी तीस है ना पंद्रह दुनी तीस बचे आपके दस तो हो गया पंद्रह छक्के नब्बे बचे दस पंद्रह छक्के नब्बे पॉइंट टू सिक्स सिक्स आ जाएगा और आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आर बराबर एक बटे संतानवे मतलब तो जीरो दशमलव दो पांच आएगा क्यू फिर पी तो ऑप्शन आप ध्यान से देखिए देखो जिसकी तरह मुंह खुला है वो बड़ा है मतलब R से बड़ा है Q Q से बड़ा है P देख लो R कितना है जीरो दशमलव दो पांच क्यू कितना है जीरो दशमलव दो कितना है जीरो दशमलव तीन सात तो ये हो जाएगा

तो आपको अंदर वाले नंबर का सम करना है ध्यान से देखो अगर मैं एक इसको दे दूँ तो 400 ये हो जाएगा 400 ये हो जाएगा दोनों का जोड़ कितना हो गया 800। अगर मैं एक इसको दे दूँ तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200। अगर मैं एक इसको दे दूँ तो 300 और 300 कितना हो जाएगा 600 अगर मैं एक इसको दे दूं तो 200 और 200 हो जाएगा 400। तो याद रखना कि जिसका सम जिसका जोड़ सबसे ज्यादा हो और डिफरेंस अगर सेम हो सारों में डिफरेंस सेम आ रहा है और जिसका जोड़ सबसे ज्यादा हो तो वो वाली संख्या सबसे छोटी होती है मैंने क्या बोला सब में डिफरेंस सेम आ रहा था चार सौ एक में से तीन सौ निन्यानवे गया दो का डिफरेंस सब में दो का डिफरेंस है लेकिन जिसका जोड़ सबसे ज्यादा होगा वो संख्या हमारी सबसे छोटी होगी तो ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट थे आई होप आपको पसंद आए होंगे अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है चौसठ तो पूछा गया है प्लस प्लस जीरो 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 चार जीरो का मान क्या होगा तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि अंडर रूट चालीस छियानबे बराबर चौसठ है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखकर पैनिक मत हुआ करिए तो इस चालीस छियानबे की जगह मैं डायरेक्टली कितना रख दूंगा चौसठ रख दूंगा क्योंकि अंडर रूट चालीस हुआ है प्लस बीच इतना अब के दो है तो एक इसको मिल जाएगा और एक इसको मिल जाएगा तो एक और एक कितने दो हो गए तो यहां से बाहर निकलेगा छह दशमलव चार जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो इसको लिखूंगा चौसठ गुड़े चौसठ इस बार भी चौसठ और चौसठ का पेयर बनेगा लेकिन दशमलव के बाद एक दो तीन चार पांच छ नंबर है तो तीन इसको मिलेंगे जीरो लगा दो और तीन इसको मिलेंगे और यहां पर पॉइंट लग जाएगा तो दशमलव एक दो तीन चार पांच छह टोटल छ थे ना देखो दो चार तो तीन मैंने इसको दे दिए तीन इसको दे दिए है ना यहाँ पर चार थे तो एक इसको दे दिया एक, इसको दे दिया, एक और एक दो तीन और तीन छो तो यहां निकलेगा जीरो ऐड जीरो कर दीजिएगा तो ये आपके सामने ऑप्शन है देखो इसको कैसे जोड़ेंगे आप लिखो चौसठ इसके नीचे छह दशमलव चार और जीरो दशमलव जीरो छह चार तो ध्यान से देखो चार का चार ही रहेगा छह का छह रहेगा चार का चार रहेगा छह चार दस का जीरो हासिल एक और एक सात तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सत्तर दशमलव चार सौ चौसठ सत्तर दशमलव चार सौ चौसठ फिर से देखिए इसको मैंने प्लस किया तो चार का चार ही चार छ का छह का फिर चार ही चार रहेगा चार और छह दस का जीरो हासिल एक और एक सात तो सेवेंटी पॉइंट फोर सिक्स फोर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको खूब परेशान करता है थ्री टू दी पावर फिफ्टी फोर टू पावर फोर्टी फाइव टू द पावर थर्टी और सिक्स की पावर ट्वेंटी में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगी तीन की पावर पचास चार की पावर चालीस पाँच की पावर तीस छः की पावर बीस तो सबका आधार हम सेम बनाएंगे तो इसको मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखिएगा तीन के ऊपर पाँच और इसके ऊपर दस की पावर पाँच दाहम कितना हो गया पचास इसको मैं लिखूंगा चार के ऊपर चार और इसके ऊपर दस की पावर पावर चार दाम कितना हो गया चालीस इसको मैं लिखूंगा पाँच के ऊपर तीन की पावर ऊपर ऊपर लिखूंगा मैं दस तो तीन हम कितना हो गया तीस और इसको मैं लिखूंगा छः के ऊपर दो की पावर और ऊपर दस तो ध्यान से देखो पाँच पावर के ऊपर पावर हो तो इनका गुणा हो जाता है पाँच दहम पचास चार दहम चालीस तीन दहम तीस दो दहम बीस ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने सबकी पावर सेम बनानी थी सबकी पावर मुझे दस करनी थी अब तीन का गुणा पाँच बार करोगे ना तो तीन तर का नौ सत्ताईस तिया इक्यासी तिया दो सौ तैतालीस तो टू फोर थ्री के ऊपर टेन की पावर आ गई फोर टू दी पावर फोर करोगे तो चार चौको सोलह चार चौको सोलह सोलह का सोलह से करोगे तो दो सौ छप्पन दस की पावर पांच का क्यूब करोगे तो एक सौ पच्चीस दस की पावर और छत्तीस के ऊपर दस की पावर तो अब देखो सबकी पावर सेम हो गई तो अब बता दो कौन सा बड़ा है तो आप कहोगे सर सिंपली ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है तो दो सौ छप्पन किसको सॉल्व करने पर आया है इसको सॉल्व करने पर आया है ना और छत्तीस इसको सॉल्व करने पर आए इट मीन्स सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी चार की पावर चालीस और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी छ की पावर बीस उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे इसमें बेस सेम करना था और इसको भी मैंने करने का तरीका बताया है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए और वीडियो को जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है जो पढ़ना चाहते हैं उन तक ये वैल्यूएबल कंटेंट पहुँच सके क्योंकि वैल्यू वही करता है जो पढ़ाई की कीमत समझता है बाकी कोई नहीं करते तो आप कम से कम पढ़ने वाले लोगों तक शेयर करिए इसके आगे के क्वेश्चन भी अभी हम आपके सामने मैं लेकर आऊंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक बटे चार दशमलव दो छ तीन बराबर जीरो दशमलव दो तीन चार छ है तो पूछ रहा है एक बटे जीरो दशमलव जीरो 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 की वैल्यू क्या होगी तो ऐसे क्वेश्चन देखने में कठिन होते हैं और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इनको करने का इनको करने का मैं डिफरेंट तरीका आपको बताता हूं ध्यान से देखो इसकी वैल्यू अपन को गिवन है है ना अब करना क्या होगा हमें चार दशमलव दो अगर मैं इस क्वेश्चन को इसके जैसा बनाने की कोशिश करूं तो मेरा ये जो दशमलव है ना ये उठकर मुझे यहां पर लाना पड़ेगा क्योंकि सवाल में चार और दो के बीच में दशमलव लगा था तो इस पॉइंट को अगर मैं यहां पर खिसकाना चाहूं मतलब एक दो तीन चार चार अंक खिसकाना चाहूं तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा एक दो तीन चार ऊपर चार जीरो पुट करने पड़ेंगे ध्यान से देखो मैं इस 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 वाली संख्या को ऊपर के जैसा बनाना चाहता हूं मतलब इस दशमलव को चार और दो के बीच में लाना चाहता हूं चार और दो के बीच में तो एक दो तीन चार चार अंक अगर मैं खिसकाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा चार जीरो चाहो तो आप एक लिख दो अब ये दशमलव आ गया तो एक बटे चार दशमलव दो छ तीन हमारा हो गया अब इसकी वैल्यू सवाल में इसकी वैल्यू हमें सवाल में कितनी दी है तो आप लिख सकते हो दस हजार गुड़ित जीरो दशमलव तेईस छियालीस है ना अब आप इनका गुणा करके देखिए तेईस छियालीस का एक में गुणा करेंगे तो आ जाएगा तेईस छियालीस और पीछे एक दो तीन चार चार जीरो आप पुट कर दीजिए तो ये आ गया लेकिन पॉइंट के बाद एक दो तीन चार नंबर है एक दो तीन चार यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट मतलब आंसर क्या बचेगा तेईस छियालीस फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन क्या है एक बटे चार दशमलव दो छ तीन बराबर जीरो दशमलव तेईस छियालीस पूछा है एक बटे जीरो दशमलव जीरो 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 चार दो छः तीन मतलब इसको मैं इसके जैसा बनाना चाहता हूँ दशमलव को चार और दो के बीच लाना चाहता हूँ तो ये दशमलव जब यहाँ से यहाँ खिसकेगा तो एक दो तीन चार चार स्थान खिसक रहा तो ऊपर चार जीरो आ जाएंगे फिर नीचे क्या आ जाएगा चार दो और एक बटे चार दो की वैल्यू क्या है जीरो दशमलव तेईस छियालीस गुड़े इतना इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तेईस छियालीस आ जाएगा उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अंडर रूट ग्यारह प्लस टू रूट एट्टीन तो इसको करने का तरीका क्या है ये भी आप समझो तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मैं सवाल लिख दूं ग्यारह प्लस टू अंडर रूट अठारह अंदर जो संख्या लिखी हुई है ना उसके इस तरीके के गुण करो कि गुणा करने पर अठारह आ जाए जोड़ने पर ग्यारह आ जाए तो इसको मैं लिख सकता हूं नौ गुण दो तो देखो नौ दुनी कितना आ गया अठारह और नौ और दो को जोड़ा तो कितना आ गया ग्यारह ये बन गया हमारा टू ए बी लेकिन इसको मैं लिखूंगा रूट नाइन इंटू रूट नाइन देखो रूट नौ और रूट दो का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा रूट अठारह है ना और रूट नौ और रूट दो को जोड़ोगे तो रूट ग्यारह आ जाएगा तो अब ये जो हमारी सर्व समीका बनी ये क्या बनी ए प्लस बी का वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस दो ए बी इस तरीके से मुझे इसको लिखना होगा है ना तो अठारह को मैंने कैसे तोड़ा नौ दुनी अठारह नौ और दो ग्यारह ठीक है तो ये क्या बन गया टू ए बी इट मीन्स ये हो गया टू गुणित ए की जगह पर आ गया मेरा रूट नाइन और बी की जगह पर मेरा आ गया रूट टू तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट नाइन प्लस रूट टू का Whole square. अब होगा क्या ये तीन और हम जानते हैं कि करनी दो बराबर होता है एक दशमलव चार एक चार तो रूट टू की वैल्यू मैं रख दूंगा वन पॉइंट फोर अब तीन में एक दशमलव चार जोड़ोगे कि तो कितना आ जाएगा चार दशमलव चार तो आज मैंने अच्छे क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश की और मेरा मकसद यही है कि एग्जाम में आपको हेल्प मिले आप ऑफलाइन जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो जारी रखिए और मेरा मेरा जो कंटेंट है वो भी आपको मिलता रहे देखिए ऑनलाइन मोड इसलिए अच्छा कहा जा सकता है कि वो चीज़ें हम आप तक डिलीवर कर कर सकते हैं जिन जिन में आपको कठिनाई है कठिनाई हो रही है और आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो हम आप तक नॉलेज पहुंचा सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत